राजस्थान के जाट नेता और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के को गठन करने वाले हनुमान बेनीवाल आज बीजेपी के साथ गठबंधन करने आए हुए हैं। हनुमान जी, अचानक क्या हुआ जो इस तरह से फैसला लिया आपने? देखिए, राष्ट्रहित के अंदर मैंने ये निर्णय लिया है। मेरे तमाम आरएलपी की जो टीम थी, कोर कमेटी थी, सबकी इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ा जाए, वहां नरेंद्र मोदी हो और यहां हमारी पार्टी जिंदा रहे, ऐसी सबकी इच्छा थी। सब राष्ट्रहित के अंदर मैंने निर्णय लिया। गठबंधन नागौर सीट से इनके बीजेपी के प्रमुख नेताओं की इच्छा थी कि नागौर से मैं खुद लोकसभा का चुनाव लड़ूं, तो नागौर से मैं आरएलपी से लड़ूंगा और बाकी 24 जगह और हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब के अंदर मैं नरेंद्र जी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा, युवाओं से आह्वान करूंगा देश के अंदर। लेकिन ये राष्ट्रहित की बात इतनी देरी से क्यों समझ में आई हनुमान जी आप? नहीं, हमारे तो पहले से ही समझ में आ रही थी राष्ट्रहित की बात, अब की बार ही काम पड़ा। पिछली बार भी मैं आपको बता दूं कि अगर मैं चुनाव नागौर से नहीं लड़ता तो नागौर से कांग्रेस पार्टी जीतती, मेरी वजह से नागौर सीट मिली थी। उसके बाद हमने ताकत को धीरे धीरे बढ़ाया, राजस्थान के अंदर जन आंदोलन करके लाखों लोगों की रैलियां भी करी, कर्ज माफी, विशेष राज्य का दर्जा, मुफ्त बिजली, ये हमारे मुद्दे थे। लोकसभा के अंदर गए, अगर लोकसभा के अंदर गए तो निश्चित रूप से ये मुद्दे जारी रहेंगे और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा भी दिलाएंगे और जितने हमने जो वादे किए उनको पूरा करेंगे। हमें आज भी याद है बाड़मेर की उतनी बड़ी रैली में आपने वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी के लिए क्या क्या बोला था, वो सब बातें भूल जाएंगे? कौन से वाले? बाड़मेर की रैली में जो आपने बोला था नरेंद्र जी मोदी के लिए क्या बोला, जैसे आप बताओ, आप बताओ ना, आपको याद है तो मैंने क्या बोला? आपने कहा था ना कि नरेंद्र मोदी को यहाँ पर रैली करने में, हाँ मैंने कहा था विरोध करेंगे, फिर बात हो गई थी, नहीं किया था विरोध, किया नहीं विरोध, रोक दिया। वो तो उस समय की बात थी, अब तो जो देश के हालात बने पुलवामा के बाद, उन हालात के अंदर नरेंद्र जी मोदी को ही पीएम बनना आवश्यक हो गया। पुलवामा गठबंधन किया, सुनो, हमने गठबंधन किया, अलायंस किया है और अलायंस की बात हम हमेशा करते हैं। अभी हमारे, हम अगर इतने ताकतवर होते देश के अंदर तो हम खुद ही सारी जगह लड़ते, लेकिन देश का तीसरा मोर्चा भी बिखरा पड़ा, कोई धनी दोरी नहीं, कोई चेहरा नहीं तीसरे मोर्चे का। कांग्रेस के हालात तो आपने देखा, कांग्रेस ने, हमने कांग्रेस से समझौते की बात नहीं करी सर जी, कांग्रेस हमारे दरवाजे पर आई थी और हमने 7 लोकसभा की सीटें कांग्रेस से मांगी थी, उसके बाद बात 3-4 पे आ गई और उसके बाद जब नागौर की सीट पे झगड़ा हुआ तो हमने गठबंधन तोड़ने का कह दिया, गठबंधन नहीं होगा। हनुमान जी, यही तो लोग कह रहे हैं, जब कांग्रेस के लिए गठबंधन आप कर रहे थे तो क्या उस समय राष्ट्रहित याद नहीं आ रहा था, मोदी जी याद नहीं आ रहे? गठबंधन, मेरी बात सुनो, मुझे तो सब याद आ रहे हैं, याद आ रहे हैं, जब भी तो गठबंधन कर लिया ना, मैं चाहता था रजाई ओढ़ के सो जाता घर पे, मुझे कोई जरूरी के लोकसभा का चुनाव लड़ना, लेकिन मुझे मेरी इस ताकत को कहीं जगह देनी थी, उन बच्चों को जो लाखों लोग मेरे में श्रद्धा आस्था रखते हैं उन्हें कोई रास्ता दिखाना था, कहीं ना कहीं रास्ता दिखाना था मुझे। बीजेपी को क्या, आप कितना फायदा दिलवाएंगे? 25 राजस्थान का। आपके बगल की सीट पर जोधपुर से मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत चुनाव, मुख्यमंत्री के बेटे को 2 लाख वोटों से हराएंगे कम से कम। अब हमें ये नहीं देखना, अब हमें देखना कि नरेंद्र मोदी पीएम बने और भारतीय जनता पार्टी का हर कैंडिडेट जो कमल का निशान लेके, नागौर के अलावा, नागौर में तो निशान मेरा होगा, बाकी 24 जगह कमल के निशान का जो भी कैंडिडेट होगा उनकी हम मदद करेंगे, बाहर के राज्यों के अंदर भी जाएंगे। नागौर में ज्योति मिर्धा ने कहा था आपको कि दरी उठाने वाला, हाँ। तो अब दरी के मालिक और दरी उठाने वाले के बीच मुकाबला होगा। अब देखो साहब, वो तो कुछ भी कह सकती है, वैसे 2009 के अंदर मैं ही लेके आया था उसको, मेरे और रूपाराम डूडी के पैर पकड़े थे उसने और रूपाराम जी मेरे पास लाए, हमने कांग्रेस उसको टिकट भी दिलाई थी, एमपी भी बनवाया, लेकिन लोग अब एहसान फरामोश हो जाते हैं, उनका कोई इलाज नहीं है और कहने से क्या होते हैं, कौन क्या होता है सब जानते, दुनिया इतिहास जानती है, वो चुनाव के अंदर पता लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का अब क्या होगा, क्या बीजेपी में विलय होगा या गठबंधन चलता रहेगा? गठबंधन दिल्ली के राष्ट्र के जो लोकसभा के चुनाव है इसके अंदर अलायंस हुआ है, नागौर की सीट हमें दी है अलायंस के अंदर और 24 सीटों में हम उनका सपोर्ट करेंगे, ये अभी राष्ट्र जो लोकसभा के चुनाव उसके अंदर अलायंस है। आगे के अगर कोई चुनाव आएंगे, कोई होगा तो दोबारा से बात होगी जो भी हो। आखिरी सवाल, बीजेपी की जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और आपके बीच के जो रिश्ते हैं वो जग जा ही रहे हैं, ये एक ही पार्टी में रहकर कैसे हो पाएगा, आप समान कैसे बातचीत हो पाएगी? अभी तो पार्टी, मैं तो आरएलपी में हूँ ना, गठबंधन पार्टी तो आरएलपी है, गठबंधन और गठबंधन में तो मोदी जी है चेहरा, प्रधानमंत्री तो वो बन रहे हैं, अभी कोई ऐसा है भी नहीं, अब हम सब मिलकर, सुनो, एक साथ मिलकर 25 सीटों की बात जाएंगे ऊपर प्रचार करने आपके, अब तो आप उनसे पूछ लो ना, आप उनके नजदीक। हनुमान बेनीवाल हैं जो हमेशा से वसुंधरा राजे कट्टर विरोधी रहे हैं, हालांकि बड़े जाट नेता हैं और बीजेपी के लिए माना जा रहा है कि एक बड़ा कैच है चुनावों से पहले, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार कोशिश कर रही थी कि हनुमान बेनीवाल को अपने पाले में लाया जाए। कैमरामैन संदीप के साथ शरद कुमार, जयपुर।